हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे ही रहो। और आज सोमवार है और आज 24 तारीख है और 24 जुलाई है। समय 11:30 होने को आ रहे हैं, 5 मिनट बाकी। आज मैं लेट हो गई मंदिर जाने में। चलिए बने रहिए इस ब्लॉग में, मैं चेंज कर लूँ उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। आगे मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, और अभी तक मेरा बेबी स्कूल से नहीं आया है, शायद वो दुकान। और मैं अभी इसकी क्लास में बैठी, अभी निकलने वाली हूँ। बड़ी क्यूट है, अपने आप ही आई है। घर में भी आज का मौसम बारिश वाला हो रहा है और आज 25 जुलाई है और शाम सुबह के 7:15 हो रहा है, 7:30 7:30 पर। और मैं आपको दिखाती हूँ ग्राउंड में बच्चों की तैयारी चल रही है और बाहर भी बच्चों की तैयारी चल रही है गेम की। चलिए मैं फिर मिलती हूँ आगे। गुड मॉर्निंग, मैं कब पेड़ का ले रही हूँ। आ जाओ जल्दी, बाहर खड़ी हूँ मैं। निकलो 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 बेटा, ये ग्राउंड में क्यों भीड़ हो रही है? क्योंकि यहाँ गेम चल रहे हैं, क्योंकि अभी बच्चों के प्ले पीरियड चल रहे हैं, प्ले स्पोर्ट। अब पता नहीं कौन सा खेल रही हैं, या ये यहाँ का ना ये बनेगा ये, इसलिए ये गंदा है और भाई मिट्टी का है तो पानी भर जाता है। चलो देखते हैं। अच्छा, ये खो खो खेल रही हैं और मैम खिला रही है। बच्चे अभी तक आ ही रहे हैं ऑटो में लोड होकर। लड़के लड़कियां सब सब पढ़ते हैं, छोटे बड़े। मुझे यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लगता है। और ये पूरे स्कूल के पीछे ना ये जो दीवार है ना, यहाँ पे इसके पीछे थाना है हमारे एरिया का, पुलिस स्टेशन। और ये अभी जो स्कूल का ये है ना लेबल, यहाँ बोर्ड चिपकेगा अभी स्कूल का, ये जो लगा नहीं है यहाँ, क्योंकि अभी इस पर काम चल रहा है पूरे पर। जब पूरा हो जाएगा तो और भी प्यारा लगेगा। लड़के स्टाइलिश है यहाँ पे। हाँ, हमें तो सालों हो गई खेले। सही रखो और अपनी स्किन को, तो उसमें कोई खराबी नहीं। अब उसे पता था कि बाहर ग्राउंड में मतलब गेम होंगे, पर आज धूप ही नहीं आई है।
तो ये उनके लिए अच्छी बात है, वरना उन्हें धूप में खेलना पड़ता। कंप्लीट तो इन्हें फिर भी करना पड़ता, धूप होती या कुछ भी, पर खैर मौसम अच्छा है। सो कहाँ गई मेरे बच्चे की ना, मतलब इस स्कूल की जो लेडीज़ है वो आ रही थी, उसके साथ निकलना था, मुझे अभी तक तो निकली नहीं है। वो मुझसे बोला कि मैं बाहर वेट करूँ, मैं बाहर वेट कर रही हूँ, कितना वेट करूँ, बहुत देर हो गई मुझे। ये लड़कों का चल रहा है, लड़कों का वहाँ भी मतलब बास्केटबॉल या रैकेट हो रहा था, और यहाँ भी मुझे पता नहीं इनका क्या हो रहा है, यहाँ सर खिला रहे हैं इन्हें। ये अपना खुद ग्राउंड बनाएंगे काफ़ी बड़ा, कल बना हुआ था काफ़ी बड़ा, सफ़ेद सफ़ेद मतलब चूना से, और आज पता नहीं गौरी नहीं किया यहाँ पे। ये और लगे हुए हैं लड़के, एक दो तीन, ट्राइपॉड होता तो मैं और अच्छे से शूट कर पाती, पर मैं इतना ही कर पाऊँगी। यहाँ प्ले ग्राउंड क्या स्पोर्ट चल रहा है, तो अच्छी बात है। आजकल तो वो तो आ नहीं रही, मैं ही निकल रही हूँ, तो चलिए फिर मिलती हूँ घर पे, पर मौसम के दिखाते दिखाते कि कैसा है। और बच्चे चलाई है, मैं सुबह मतलब बेबी को छोड़ के आई, और मैंने वहाँ का मतलब जो भी था वो बैकग्राउंड दिखाया। सो 5:30 हो गए हैं और बच्चे चलाई है मैंने बता दिया, और शाम के 5:30 हो रहे हैं, और लगभग सारा काम हो गया है। बस ये कपड़े ना तय लगा के रखने हैं, और जस्ट कपड़े भी अभी धोकर आई हूँ खंगाल कर। सो ये रहे और ये भी धोया था। सो काम हो चुका है, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, और सुबह से आज तबीयत सही नहीं थी इसलिए मैं ऑनलाइन नहीं हुई, क्योंकि मेरा बीपी हो गया डाउन गर्मी की वजह से, और गर्मी बहुत, और फिर मैंने ग्लूकोज पिया था, वहाँ रखा है ग्लूकोज पिया, जब जाके 2-3 बारी ग्लूकोज पिया तब जाके ने थोड़ा सा आराम मिला है। सो अभी भी मतलब पसीने छूट रहे हैं, सो जल्दी जल्दी रात तक वेट नहीं किया, सो अभी मतलब मैंने खंगाल के मैंने डाल दी अभी, क्योंकि मैं रेस्ट कर लूँगी उसके बाद फिर। और मैंने सुबह तोरई भी बनाई, तोरई सो वो तो मतलब 250 ग्राम तोरई थी, 4 चढ़ी थी बड़ी बड़ी, सो वो तो ख़त्म हो गई, थोड़ी सी रह गई है इतनी सी बस। अब पता नहीं मैं शाम को क्या बनाऊँगी कि नहीं बनाऊँगी, कि रायता मतलब बनेगा उसी से खाएँगे, तो जैसा होगा मैं वैसा आपको बताती हूँ। सो बने रहिए इस ब्लॉग में, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और देख लो चारों तरफ, मैंने ये जो कुछ कपड़े हैं वो यूज़ हैं, वो मतलब बाहर आते जाते नहीं तो उन्हें पहन जाते हैं, सो वो निकले रहते हैं, और यहाँ कपड़ों की तो दुकान लग जाए, इतने सारे कपड़े हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसके पापा के निकलते हैं, क्योंकि मेरी तो सिर्फ मैक्सियाँ निकलती हैं, और जो बेबी को इसको छोड़ने जाती हूँ वो टंगा हुआ, तो वो ज़्यादा नहीं, हफ्ते में 2-3 निकालती हूँ, सो उसी में मतलब मैं चला लेती हूँ अपना, मैं आपको सही बताऊँ, फिर उनको हफ्ते में बाद में धो देती हूँ। सो गर्मी बहुत पड़ रही है, कम नहीं हो रही है, और बीपी डाउन मेरा ऐसे होता है कि मेरे हाथ पर एकदम ढीले हो जाते हैं, और पेट में जलन सी भी होने लगती है, और एकदम आँखें बंद होने लगती हैं। तो चलिए बने रहिए इस ब्लॉग में, और फिलहाल मैं कुछ नहीं करने वाली, मैं सिर्फ लेटूंगी और लेट के थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, अपनी आंखों में आई ड्रॉप डालूंगी, थोड़ी सी दूध रहेगी मेरी आंखें, शायद मैं पीले चावल बनाऊं आलू वाले, वैसे तो मेरे पास करम कल्ला रखा है, करम कल्ला मतलब हर पत्ता वाला गोभी, हम लोग उसे करम कल्ला कहते हैं, करम कल्ला अजीब लगता है बोलने में, पर हाँ उसको करम कल्ला ही कहते हैं हमारे यहाँ, और पत्ता वाला गोभी, तो आलू नहीं है, सिर्फ 3 आलू पड़े हैं बड़े बड़े, तो मैं उनको नहीं डाली, मैं आलू मंगाऊंगी तब मैं वो बनाऊंगी, तो वो सब्ज़ी मैं शायद कल बनाऊं, आज शायद मैं चावल ही बनाऊं आलू वाले डाल के, जो 3 आलू हैं वो उसमें डाल दूंगी मैं, पीले वाले चावल बनाऊंगी उसमें, तो बनाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, और नहीं बनाऊंगी तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। सो चलिए
और पूरे दिन भर में ना और को ना मेरा बेबी आ चुका है, बैक कैमरा कर। ये तो मैं किचन में आ चुकी हूँ और 9:15 हो रहे हैं रात के, और मैं वाकई में मैं चावल बनाने जा रही हूँ, और मैं वाइट राइस हैं सो सफ़ेद वाले चावल ना गोल्डन नहीं है, और बनाऊँगी पीले। आलू मुझे लगा 3 थे पर 2 निकले, क्योंकि मैं शायद पता नहीं एक कहाँ गया मुझे नहीं पता। और ये हरी मिर्च प्याज तेज पत्ता बस, और ये कुछ घर के गरम मसाले हैं जो सबके पास होते हैं, देख लो। ठीक है तो चलिए मैं अब बनाती हूँ फटाफट से, और दूसरी साइड गैस पे दूध रोटियाँ डालूँगी, सिर्फ मैं अपने लिए रोटी डालूँगी जिससे मैं चावल से खा सकूँ सिर्फ ओनली, और बाकी के पता नहीं कोई खाएगा कि नहीं खाएगा, पर मैं 2 रोटी डालूँगी, उसमें से एक बेबी ले लेगा अगर लेगा तो, वरना उसका मैं अलग से पराठा बनाऊँगी। लड्डू जगह आया बेटू, ये हो गया है, इसी को डालूंगी। इसको ज्यादा नहीं पकाऊंगी, हरी मिर्च लग रही है बहुत, क्योंकि ये कच्ची घानी वाला तेल आंखों में बहुत चुभता है, बहुत चुभ रहा है, स्वीट कर देती हूँ मैं, जल्दी हो जाए, थोड़ी सी मरी मरी हो जाए बस। इसके बाद फ़ौरन ये डाल दूंगी, सो मैं दिखा दे रही हूँ, लेके भी खड़ी बैठी हूँ, क्योंकि फटाफट से डालना बस कर रहा, थोड़ा सा इसको सॉफ्ट हो जाइए, वो तो गई है थोड़ी सी और हो जाए, थोड़ी सी बस। और ये राइस मैंने गलाए नहीं थे, मैंने धो के अच्छी तरीके से बस पानी डाल के अभी रख दिया है, जब तक मैं ये मतलब बनते नहीं, तो करीबन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट ही हुए हैं सारी तैयारी में, तो मैंने पानी डाल के धो के रख दिया है बस अभी, तो ये इसी के अंदर जाएगा, पानी साफ है इसलिए। हाँ अब हो गई, गरम हो गया साइड से, बहुत गरम है, थोड़ा सा मैं अच्छे से होने दूँ जब तक मैं नमक, जो लल्ला की दादी हैं वो अभी तक नहीं आई हैं, आज उन्हें बहुत लेट हो गया, 9:15 भी हो गए और वो अभी तक घर पे नहीं आई हैं, वो भगवत कथा में थी और अभी तक नहीं आई हैं पता नहीं, तो अभी देखो बस थोड़ी देर और देखते हैं, उसके बाद फिर फ़ोन करके और बोलती हूँ। ये धनिया था सो खत्म, पीले हैं तो हल्दी तो जाएगी जाएगी, पीले चावल हैं सो मिर्ची मैं ये वाली नहीं डालूंगी, मैं ये डालूंगी कुटी हुई। नमक मैं बाद में चख के और डालूंगी, और इसमें गरम मसाला भी डालूंगी लास्ट में, आलू देखो मेरे कैसे हो गए हैं, वैसे सबके ऐसे हो जाते होंगे, हल्के हल्के से कुक से हो गए हैं, वो तेल में ना जल्दी जल्दी से हो जाते हैं ऐसे। इन चावलों में ना आलू मटर बहुत अच्छी लगती है, मटर होती तो वो भी बहुत अच्छी लगती है, बट नहीं है। टमाटर भी बड़े अच्छे लगते हैं, पर क्या करें वो तो भैया औकात से बाहर हो चले, इतने महंगे से हो गए हैं, सो
इसमें मैं जाहिर सी बात है एक और चम्मच नमक डालूंगी, एक चम्मच से कुछ नहीं होगा। अब इस नमक को टेस्ट करके मैं डाल दूंगी पानी, उसके बाद उसमें थोड़ा सा बॉईल आ जाए कुकर में पानी में, फिर लास्ट में ढक्कन लगा दूंगी, बस यही काम है और कुछ नहीं करना। मैंने थोड़ी सी हल्दी, पोहा और गरम मसाला घर का गरम मसाला है बस, और ये सो देखिए ये खलाई जो बॉईल पन है वो आ गया है, एक एक 20 सेकेंड और खोले दूंगी बस, 5 सेकेंड 1 मिनट 1 मिनट समझ लो, अच्छे से पूरे में सामने बॉईल दिखने लगे फिर इसको बंद कर दूंगी और पानी अच्छे से चेक कर लूंगी कम ना पड़े। चावल का ढक्कन तो तभी लगाए तब उसमें एक खोलाई आ जाए, आधा काम जल्दी हो जाता है, ऐसे हो गया बहुत जल्दी सीटी आएगी लगाती खेम। तो चलिए मैं मिलती हूँ। वैसे मैं अब रोटी पता नहीं मेरी इस क्लिप की आवाज़ कहाँ चली गई, मैंने तो उठाई भी नहीं तब भी आई नहीं रही है, पर इसमें मैं बोल रही हूँ कि मैं रोटियाँ नहीं डाल रही, जो बासी रखी हैं जो सुबह की है मैं वही खाऊंगी और जो कहेंगे तो उनके लिए ताज़ी डाल दूंगी। तो ये दो रोटियां, क्योंकि रोटी कोई नहीं खाता, ना इसके पापा ने खाई थी ना इसकी दादी ने, सिर्फ मैंने ही खाई थी चावल के साथ। बन गए हैं, मैंने ये निकाल दिए हैं, ये रहे सो ये ब्लॉग अब मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और आप सब भी खा लो चावल, और वो तो सो ही रहा है बेबी, और ये आ चुकी हैं ससुर माते, और आप भी खा लो चावल, सो पीले चावल अच्छे लगते हैं, और सो मैं तो रोटी से खाऊंगी फिलहाल। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में आप सबसे, मेरा राम राम जी और गुड नाइट नमस्ते।